कलम रखा है। 8 नवंबर है आज, 2 बजे से इस स्थान पे कार्यक्रम रखा है। ये स्थान है काकड़ गांव में, मां चाहती हैं जगाना लोगों को यहाँ के। मिस्टर प्रमोद हैं गाजियाबाद के, उन्होंने प्रारंभ किया यहाँ पे, इनिशिएट किया इस प्रोग्राम के लिए। कार्यक्रम का प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग आ सकें। अपने अपने देवी देवताओं को जागृत करने के लिए अवश्य पधारे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। सारे विश्व को सहजी बनाया, सारे विश्व को सहजी बनाया, सारे बनाया, तूने सारा ब्रह्मांड रचाया, तूने सारा ब्रह्मांड रचाया, सारे विश्व को सहजी बनाया, तूने सारा ब्रह्मांड रचाया। सूरज चंदा तुझे रिझाए, तारे देखते खर्च आए, तारे देखते तारे तेरा ध्यान लगाए, कोई ओम कोई लौटे ना मेरो माती शक्ति माँ, कोई लौटे ना मेरो माती शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम माती शक्ति माँ, ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम। ओ सबसे सुंदर है निर्मल नगरिया, ओ सबसे सुंदर है निर्मल नगरिया, हर सहजी पे माँ की नजरिया, हर सहजी पे माँ की नजरिया, ओ मन मंदिर में लौटे ना मेरो आदि शक्ति माँ, कोई लौटे ना मेरो आदि शक्ति माँ, ओ सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ, सारे जग में तेरी धूम आदि शक्ति माँ।
सारे जग में तेरी धूम, ओ सारे जग में तेरी धूम, ओ सारे जग में तेरी धूम, ओ सारे जग में तेरी धूम, सारे जग में तेरी धूम, ओ सारे जग में अवश्य पधारे, प्रवेश निशुल्क। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सहज योग सहज योग, जय श्री माता जी। नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, पाप तेरे कट जाएंगे, पाप तेरे कट जाएंगे, नाम रटे ले, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, पाप तेरे कट जाएंगे, तेरे कट जाएंगे, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे जाएंगे, नाम रटे ले, नाम रटे ले तू नमा ले, नाम रटे ले तू माँ का नाम रटे ले, पाप तेरे कट जाएंगे, नाम रटे ले, मत घमंड करे काया का, ओ मत घमंड करे काया का, मत घमंड करे काया का, मत घमंड करे काया का, काया तो मटी हो जाएगी, ओ काया तो मटी हो जाएगी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सहज योग सभी गांववासी। आज दोपहर 2 बजे जयप्रकाश टेका के घेर में अपने अपने देवी देवताओं को जागृत करने के लिए पधारे, प्रवेश निःशुल्क। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सहज योग आत्मा महायोग, सहज योग आत्मा महायोग, बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। अकेले आए? हेलो, बैठी है, बैठी है, कहाँ सॉरी थकान कर रही है। आप तो सुबह के आए हो, 11 बजे। मेहनत करने के बाद खाने का आनंद ही कुछ अलग है। सारे गांव में घूमे, माँ के बारे में बताया, लोगों को बुलाया और अब बोले। सीधे हाथ बैठे लोग सीधे, समर कौन के भावना से मेरी माता मेरे दोनों हाथ क्यों सीधे ऐसे नहीं करो, क्यों कौन हाथ दोनों हाथ क्या हो हमारे प्रमोद भाई, जिनकी प्रेरणा से इस गांव में कार्यक्रम हो रहा है। अंत प्रेरणा माँ की और बाहर की प्रेरणा इनकी, पूरी तरह समर्पित, बेहद व्यस्त जीवन, तब भी माँ के लिए, अपने लिए, भगवती के लिए कार्य समय निकाले।
राम का ग्रुप आ गया है, मुखी राम जी। उसमें पधारने वाले सभी बहन भाइयों चाहे जो परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है आप सभी बहन भाइयों का, प्रार्थना करता है कि जो भाई बहन हमारी दूर आवाज सुन रहे हैं कृपया आए, परमात्मा के स्वरूप को जानने का एक सहज और सरल रास्ता। हमारे बीच पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी हैं जो हमारे बीच से शहरों में जाकर के अधिकारी लोग हैं, परमात्मा की कृपा है इन पर, ये आज इस परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं। सब आप ही लोगों की तरह हम में से कोई न संत है न महात्मा है, ना ही कोई कुछ कहने वाला है ना कोई सुनने वाला। आपकी शक्ति है, श्री माता जी जागृत करने वाली है, माँ के रूप में आप लोग श्रद्धापूर्वक माँ के सामने बैठे, दोनों हाथ खोल करके हमारी ये प्रार्थना है। किसी भी रूप में आज तक आपने परमात्मा की पूजा की है, किसी भी दुनिया के गुरुओं द्वारा आपने नाम दान लिए हैं, आपके सामने श्री माता जी की प्रतिमा है और आप बच्चे के रूप में उनके सामने बैठे। हो सकता है कि आज वो श्री माता जी द्वारा प्रदान चेतना आपके अंदर उठे, आप महसूस करें और खुद अपने अनुभव को अपने आप बताएं अपने शरीर पर। ये केवल
दोनों हाथ खोल करके बैठे हैं। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ वेद पुराणों में माँ का स्थान श्रेष्ठ बताया है। कोई कितना भी बड़ा मानव संसार में हो गया हो, लेकिन उसकी भी माँ अवश्य होंगी जिन्होंने उनको जन्म दिया। तो ये माँ का स्वरूप है, हाथ खोल करके बैठे दोनों हाथ। यही केवल मेरी प्रार्थना है, कोई मंत्र उच्चारण ना करें, किसी प्रकार का कोई आसन ना लगाए, शांत भाव में बैठे जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं। एक बाबा हमारे पीछे बैठे हैं कुछ चारपाई पर, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे बैठ जाए थोड़ा आगे। आप जैसे बाबाओं को बहुत फायदा होता है। मेरे भी 90 साल के बाप है जिन्होंने के आनंद पाया। आप भी चले जाओ। 90 साल की उम्र में जाने इस चीज को और आज आनंद ले रहे। फोटो ही बाद में खींचे हैं फोटो। प्रार्थना है आप लोगों से, पुरानी कहानियां सुना करके तो बहुत समय आप लोग गुजार देते हैं। प्रमाण आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आप लोग इच्छा रखते हैं। दोनों हाथ खोल करके बाजे सामने बैठे श्रद्धा भाव से और देखें कि आपके शरीर में क्या घटना घटती है। भजन शक्ति देवी के रूप में माँ का आवाहन करेंगे। ये जगत करनी माँ हमारे बीच आकर के आज हमको आशीर्वाद प्रदान करें। एक प्रार्थना स्वरूप ये भजन चढ़ी देवी मेरे पूरण हो गए श्री माँ मेरी सोहणी सोहणे जाके मूरख तो समझे का अधिकार नहीं रह गया है। अब पंडितों का भी वर्चस्व नहीं रह गया है।
जो बापू लोग हैं उनका भी वर्चस्व नहीं रह गया। हम आप सांसारिक जीवन में जान पाए होंगे कि गुजरात में आज के समय में 1000 बापू हैं और गुजरात में सबसे ज्यादा मारकाट है, भूकंप भी गुजरात में सबसे ज्यादा आता है। बचे कुचे बापू लोग आगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का अगर आए दिन समाचार में आप पढ़ते हो या अखबार में पढ़ते हो टीवी में देखते हो किस कदर मारकाट करती थी। तो जहाँ जहाँ हमारे खेत खलियान अच्छे हो जाए उसमें डॉक्टर के न जाना पड़े, हमें मास्टर के पास ना जाना पड़े, हमें किसी नेता के पास ना जाना पड़े, पुलिस के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर ऐसा है, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो ये बात मानने की है कि पंडित मौलवी या और अन्य कोई बापू या कथावाचक इस प्रकार की समस्या का निदान नहीं कर सकता। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में अंगूठे बिका करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे पत्थर निकला करते हैं कि आप इसको धारण कर लीजिए, फला की पत्नी को मार देंगे, फला को मार देंगे, फला का फला चुन लेंगे। इस प्रकार की चीजें व्यवसाय में मौजूद हैं, व्यापारिक स्तर के सामने हैं, जिससे हमें कोई मिलता नहीं है, बजाय इसके कि हम और अस्वस्थ होकर चले जाते हैं, हमारे घर परिवारों को सामने वाले के रिश्ते खराब होते हैं। सहयोग जो कि हम श्री माता जी को देख रहे हैं, श्री माता जी चंद्रा देवी हमारे आपके बीच से ही हैं, हमारे आप जो श्री गृहस्थ हैं इनका भी एक छोटा सा परिवार है, दो बेटियाँ हैं, भरा सा परिवार आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए या जो पंडित लोग आए या जो तांत्रिक आए, जो मांत्रिक आए या जो बापू लोग आए, इन लोगों से निजात दिलाने के लिए 5 जून 1970 को पहली बार श्री माता जी ने जन जागरण कराते हुए मानव समाज को ये बात बताई कि आप अपने गुरु बन सकते हैं, आप किसी से कुछ मत पूछिए, आप अपनी सुख समृद्धि और आनंद खुद प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परमानंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात श्री माता जी ने बताई। और जिसको भी बताया उसको इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि वो आने वाले समय में अगले वाले को ये चीज बता सके जो श्री माता जी स्वयं बता दें। इस प्रकार का जो ये स्टडी मटेरियल हम देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें हमारे परिवार की संरचनाएं पूरी की पूरी, अगर हम इसको अपने शरीर में अंत स्थिति में भली भांति समझ लें तो सुख के अलावा हमारे परिवारों में हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे सबसे पहले जो नीचे 4 कॉलम का बना हुआ है, 4 पत्र दिखाए गए हैं, ये मूलाधार नाम से कहा गया है, संस्कृत के शब्द है। संस्कृत में सारी व्याख्या अब तक हिंदू आध्यात्म और धर्म की गई थी, लेकिन श्री माता जी ने इसको बहुत ज्यादा सरल कर दिया है। इस स्थान पर श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, हमारा जो शरीर हम जो ये बैठा हुआ व्यक्ति है हमको देख रहा है, हम इनको देख रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे से शुरू करके इस स्थान तक इसका प्रभाव आता है। रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे त्रिकोणाकार अस्थि बनी हुई है, अगर जो फिजिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे, प्रिज्म होता था जिसमें एक तरफ से प्रकाश डाला जाता था और 7 धनु में एक इंद्रधनु जैसा बनता था, तो ये प्रिज्म आकार का है। इस प्रिज्म आकार का जो आधिपत्य है वो श्री गणेश जी के स्थान पर है, श्री गणेश जी के नाम है। अब गणेश जी जैसे भाई साहब ने जो भी भजन गाए, पहले भजन में भी श्री गणेश का नाम था, दूसरे में गणेश की श्री माँ का नाम था, यानी कि हमें तो गणेश की जरूरी है, हमें श्री माँ की जरूरी है, आखिर वो गणेश जी को ही क्यों पुकार रहे थे? आप को ही पुकार रहे थे, श्री गणेश जी को पुकार रहे थे, आप अपने भजन के माध्यम से आपको श्री करते हैं। तो श्री गणेश जी मूलाधार पर बैठे हुए हैं और मूलाधार चक्र में श्री गौरी जी का स्थान है, जिनको हम कुंडली कह रहे हैं, श्री माँ के श्री गौरी माँ के पुत्र श्री गणेश। श्री गणेश गौरी माँ को बहुत प्यार करते हैं, अगर हम अपनी उस माँ के लिए जो जिस माँ ने हमको पैदा किया है या जो अशक्ति माँ है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह करें, तो हमारे जीवन में अभूतता रहेगी और हम सुख सबके प्राप्त करेंगे, ऐसा श्री माता जी ने हमको बताया। थोड़ा और आगे बढ़ें, जी उसकी सहायता करते हैं, यही हमारे धर्म का स्थान है, यही हमारे समाधान का स्थान है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें हम आनंद प्राप्त करें,
तो इससे श्री विष्णु खुश हो गए, और जब श्री विष्णु खुश होते हैं तो लक्ष्मी जी खुश होती है। जैसे परिवार में है, आज के जो समाज है हमारा पुरुष सत्ता में है, तो सत्तासीन कौन है? पुरुष। और ब्रह्म जो विष्णु जी हैं वो भी सारे संसार, और गायों जो रानी हैं इसकी माँ सरस्वती जी देख रेख करती हैं, और श्री हनुमान जी की सहायता करते हैं। तो बाई ओर श्री भैरव सहायता करते हैं श्री महाकाली जी की, और दाई ओर जो पीली नारी है उसकी सहायता के लिए श्री माँ सरस्वती सहायता के लिए श्री हनुमान जी की सहायता करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति की नारी है, हमारी प्रार्थना की नारी है, हमें परमात्मा को प्राप्त करने की नारी है। जो बहने हैं आमतौर पर ये ज़्यादा आदर्शवादी होती हैं, ज़्यादा प्रार्थना करती हैं, ज़्यादा इच्छाएँ करती हैं। तो आमतौर पर देखा गया है कि बहनों को दाई ओर सिर में दर्द होता है, जबकि पुरुष जो होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था उनको चलानी होती है। मानव देह में उपस्थित समस्त चेतना लाल साहब ने हमारे ही भीतर उपस्थित अनेकों देवगणों के बारे में बताया। मुखीराम जी ने उस देवताओं को जगाने के लिए, उनको खुश करने के लिए सुंदर सुंदर भजन गाए, जिससे भीतर में हृदय आह्लादित हो। जब मन प्रसन्न होता है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है माँ निर्मला ने पूरे विश्व में लगभग 150 हम सब के जरिए खुद के द्वारा घटित कराया, जिससे पूरा विश्व एकता के सूत्र में बनने लगा, जात पात भेदभाव नष्ट होने लगे और हृदय में प्रेम की धाराएं बहने लगे। लाल साहब ने अंतिम चक्र के बारे में बताया था, सहस्त्रार्थ। ये सहस्त्रार्थ है हमारे शरीर की मंदिरता द्वारा, सहस्त्रार्थ या प्रवेश द्वार। इसी प्रवेश द्वार से भीतर में आते हैं हमारे ईष्ट, जिनको हमने बचपन से आराधना की, अपने हृदय में नमन किया, उनकी शक्ति के सारे हमारी ये सांसें चलती हैं। जब जब हमें पीड़ा होती है, जब जब हमें परेशानी होती है, हमारे हृदय में एक ही नाम आता है, प्रभु हमारी पीड़ा का हरण करो। कैसे घटित होता है, कैसे होता है, ये सब के लिए अभी हम सब अनुभव करने जा रहे हैं। सौभाग्य है हम सब का कि आज के बाद इस सहज परिवार में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, और जैसा आनंद हम सबको अपने हृदय में आता रहा है, आप इस आनंद से परिपूर्ण होंगे, भीतर की तकलीफें कम होंगी, और अपने ही भीतर में उस दिव्य परमात्मा के हमें दर्शन हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे ईश्वर भी दिखाई नहीं देते। जैसे हवा महसूस होती है, ऐसे ही ईश्वर की धाराएं हमारे अंतःकरण में अनेकों चक्रों में महसूस होती है, जो लाल साहब ने बताया। जैसे कि एक घर चलाने के लिए हमें ढेर सारे साधनों की आवश्यकता होती है, फ्रिज, कूलर, टीवी, इस प्रकार की समस्त साधन हमारे अंदर चक्रों के रूप में, देवताओं के रूप में है, जरूरत है इन सब को चलाने के लिए एक करंट की, ऊर्जा की। घर में सारी फिटिंग है, सारा सामान है, लेकिन करंट नहीं है। करंट लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ ऐसे खुलेंगे आकाश की ओर। दोनों हाथ खोलने का एक उद्देश्य है कि हम उस परमात्मा से उसकी उपस्थिति के लिए, जागरण के लिए, उसके सानिध्य के लिए, अपने से हम जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं दोनों हाथ खोलकर। और दोनों हाथ इसलिए भी खोलने होते हैं, जैसे करंट के लिए दो तार चाहिए, एक ठंडा और एक गर्म। लाल साहब ने बताया था कीड़ा नाड़ी बाएं हाथ से प्रकट होती है, पिंगला नाड़ी दाएं हाथ से प्रकट होती है। पिंगला नाड़ी की तासीर गर्म है, सूर्य नाड़ी है, और बाई नाड़ी की तासीर ठंडी है, चंद्र नाड़ी है। तो एक तार ठंडा, एक तार गर्म, और करंट का प्रवाह शुरू हो गया।
तो ये देखिए कि श्री माता जी ने इतने सरल तरीके से हमें उस अद्भुत शक्ति से जोड़ा जिसका नाम भगवती है। नाना रूपों में नाना नामों से वो आती रही, मानव का कल्याण करती रही, लेकिन क्यों आती है? क्योंकि उसने इस धरती का निर्माण किया है। ये धरती एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है जहां पर हम मनुष्य मानव परमात्मा के पुत्र और पुत्री के रूप में यहाँ ट्रेनिंग पाते हैं कि हम परमात्मा से कैसे जुड़े। इसीलिए हमारा इस धरती पे जन्म होता है, परमात्मा की पूर्णता को महसूस करने के लिए, और जो महसूस कर चुके हैं वो इस चीज को समझने के लिए ये धरती एक इंस्टीट्यूट की तरह है, एक प्रशिक्षण केंद्र है। और हमारा मात्र उद्देश्य इस धरती बनाकर उस प्रशिक्षण को पाकर सारे लोगों को देना है, जिससे सारी मानव जाति का भला हो सके, सबके बीच में एक समस्या का समाधान हो सके। तो आइए चलते हैं उस अद्भुत दिव्य परमात्मा की ओर जो हमारे नीरत भीतर में जागृत होने को आतुर है। सारे संतों ने कहा परमात्मा का स्थान हृदय में है। हरि जमा दया, हरि दय, जहां पर हरि की दया मिलती है उसे हृदय कहते हैं, और हम उसी हरि की दया के सहारे अपने जीवन को चलाते हैं। जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी सबसे पहले हमारे सर पे गिरती है। जब बरसात होती है उसकी पहली बूंदें हमारे सर पे गिरती है। जब चांदनी होती है उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे सर पे होता है। तो वही व्यवस्था है हमारे अंदर परमात्मा को ग्रहण करने की। तो आइए चलिए सब लोग अब शांत हो जाएंगे, केवल 5 मिनट का समय, और वो अद्भुत घटना हम सबके भीतर में घटित होगी जिसके लिए आज परमात्मा ने इस गांव में व्यवस्था भी की थी जागृति की, और जागृत होने के बाद उस आनंद को प्राप्त करने की व्यवस्था। बच्चे शांत होकर बैठेंगे क्योंकि बच्चों को भी बहुत फायदा होने वाला है। जो बच्चे डांट खाते हैं, पिटाई खाते हैं अपने माँ बाप से, टीचर से, अगर वो सच्चे दिल से ध्यान में बैठेंगे तो उनको डांट पड़नी बंद हो जाएगी, रात को भूत से डर लगना बंद हो जाएगा, और शैतानी भी कम होगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है बच्चों, 5 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा, आंख बंद करेंगे हम सभी, हाथ खोलेंगे आकाश की ओर, आकाश हमारे पिता हैं, सारे धर्मों के लोग आसमान की ओर सर उठाकर कहते हैं ओ ऊपर वाले हमारी मदद कर, यानी कि मदद ऊपर से ही आने वाली है, और कहाँ आने वाली है, इस प्रवेश द्वार पर। यदि आपको किसी ने कहा कि बहुत आपके सम्माननीय व्यक्ति आपके घर में आने वाले हैं तो हम भाग के कहाँ जाते हैं, प्रवेश द्वार पर। तो हम उसी प्रेम के साथ में अपने इस सर रूपी प्रवेश द्वार पर अपने मन को रखेंगे, और उस अपने दिव्य माँ की, भगवती की, परमात्मा की, उनके आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप मन कर लेंगे, अपना मन सच्चे दिल से अपने हृदय में, और महसूस करेंगे अपने उन्हीं परमात्मा को जिनकी हमने आराधना की, जिनके लिए हम मंदिर गए, न जाने कितनी बार व्रत रखे, न कितनी बार अनुष्ठान किए, कितनी बार जागरण किए, उसी अपने ईष्ट के लिए अपने हृदय में महसूस करेंगे और प्रार्थना करेंगे मन मन में, हे प्रभु हम सब आपकी संतान हैं, न जाने कितने युग काल से आपसे जुदा हुए हैं, आपके वियोग में न जाने कितने दुख उठाए हैं हमने, हे प्रभु आओ प्रभु हमारे हृदय में आओ, इस भवन में आओ, यही वो भवन है मां का, हमें अपनी अनुभूति कराओ, इसी अनुभूति की तो हम प्रतीक्षा करते हैं, इसी अनुभूति के इंतजार में न जाने कहां कहां गए हैं प्रभु, आओ हम सच्चे हृदय से आपको बुलाते हैं, हमारे हृदय में आओ, हमारी आत्मा को जगाओ, हमारे समस्त दुखों का हरण कर लो, हमारी समस्त पीड़ाओं को समाप्त कर लो, हम सब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ नहीं समझते,
हम तो केवल एक इतना जानते हैं, आप हमारे सच्चे माता पिता हैं, हमारे हृदय में आओ, महसूस करेंगे अपने पिता को, अपनी माता को, अपने ही हृदय में। और अब अपने मन को धीरे से उठाएंगे और इस प्रवेश द्वार पर, सर पर जो प्रवेश द्वार है प्रभु का, हम किसी भी स्वरूप में परमात्मा को मानते रहे लेकिन उनका स्वरूप तो वास्तव में निराकार का है, वो हवा जैसे है, जिसमें हम चाहते हैं उसी में आ जाते हैं, वो तो द्रव्य जैसे हैं, जिस पात्र में हम डालते हैं उसी में समा जाते हैं। तो उन्हीं अपने प्रिय परमात्मा के आगमन के लिए इंतजार में अपने सर के ऊपर अपने मन को ले जाएंगे और प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, आओ ना प्रभु, यह मंदिर आपके बिना सुना है, अपने चरणों का स्पर्श इस प्रवेश द्वार पे करा दीजिए, अपनी उपस्थिति की अनुभूति इस प्रवेश द्वार पर करा दीजिए, अपने इस मंदिर में बैठिए प्रभु, पूरा मन अपने सर पर, और महसूस करेंगे मानो परमात्मा किसी भी रूप में हमें बड़े प्रेम से निहारते हैं, उनकी आंखों से बहने वाला प्रेम एक धाराओं के रूप में हमारे सर पर गिरता है, जैसे कि सूरज की पहली किरण से कमल खिलता है, इसी अद्भुत अनुभूति के रूप में हमारे सर पर, हमारे सहस्त्रार पर उस माँ, उस प्रभु का स्पर्श हमें महसूस देता है। हम महसूस करेंगे उनके चरणों से आने वाली एक गंगा की धारा, उनकी आँखों से बहने वाली प्रेम की धारा सीधे हमारे सर पर गिर रही है, और सर से गुजरती गुजरती भीतर में हमारे हृदय में भी जाती है, मानो हृदय एक सागर है और ये धारा है, ये नदियां है जो इस सागर में समाने को आते हैं। इसी भाव में अपने परमात्मा के प्रेम को हम अपने सर पर, अपने हृदय में महसूस करते रहेंगे और हृदय में एक भाव रखेंगे, हे परमात्मा, हे माँ, हम तो एक शुद्ध आत्मा हैं, हम कुछ भी तो नहीं है, हमारे मन को शांत कर दो, हमारे चित्त को स्थिर कर दो, हमारे मन में समाओ, हमारी समस्त जागृतियों में आओ, हमें अपनी अनुभूति कराओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो हलचल दो, सर में हृदय में कुछ खिंचावट सा दो, कुछ ठंडक दो, कुछ हलचल दो, ताकि महसूस कर सके कि आपका आगमन हुआ है, हम जान सके आप हमारे भीतर में आए हैं, हम पहचान सके आप निराकार बन के आए हैं। इसी अनुभूति को एक मिनट तक आत्मसात करेंगे, केवल एक मिनट, अपने सर में और अपने मध्य हृदय में, हृदय के बीचों बीच में कुछ भी हलचल, खिंचावट, ठंडक, आनंद, कुछ भी लक्षण उपस्थित हों, उन्हें महसूस करेंगे। जो पहले से सेहत से जुड़े हैं, यदि शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं कोई हलचल हो, चित वहां पर रखेंगे ताकि परमात्मा को उनकी इच्छा के मुताबिक ही हमें महसूस कर सके। उनकी इच्छा है, ये घर उनका है, वो कहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये उनकी इच्छा है। हमारा कर्तव्य है जहाँ वो आए हम उन्हें वहीं महसूस करें, पूरा मन शांत, हृदय में आनंद, मन में उल्लास, और इन दो मुख्य केंद्रों पर उनके आगमन की अनुभूति। बस आधा मिनट और शांत रहें।
हमें आनंद दिया, हमें योग दिया। योग का मतलब अनुभव, जैसे मोबाइल में सिग्नल आते हैं, डंडे डंडे आते हैं, इसी प्रकार के सिग्नल हमारे सर पे और हृदय में आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हम उस ईश्वर से जुड़ चुके हैं। और प्रमाण करने, प्रमाणित करने के लिए अब अपना हाथ खोलें इस तरीके से, और अपने मन को अब हथेलियों में ले जाएं, मन को हथेली में ले जाएं और महसूस करें क्या हथेलियों में कुछ हलचल, शीतलता, झंझनाहट, कंपन या गोल गोल कुछ घूमता प्रतीत होता है। किस तरीके से गोल गोल घूमता महसूस हो सकता है। किसी किसी को गर्माहट लगेगी, जलन जैसी लगेगी, कोई भी लक्षण होगा, ये सब लक्षण योग के हैं। दूसरा प्रमाण, सहस्त्रार के ऊपर एक छिद्र है, यहाँ पर इससे 1.5 इंच ऊपर हाथ ऐसे करें और यहाँ वायु को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, जब रास्ता खुल जाता है तो वायु का प्रस्फुटन होता है और हम हल्की हल्की झंझनाहट को, सरसराहट को हाथ में महसूस कर सकते हैं। हाथ आगे करके करेंगे और अंतर देखने के लिए अब दोबारा वहां करें तो देखें हाथों में कुछ महसूस होता है झंझनाहट। तीसरा लक्षण हमारे हृदय में भी महसूस हो रहा है, आप सबको एक आनंद है जब हमारे परमात्मा के साथ हम अपने मन को आत्मसात कर लेते हैं, वो आनंद की तब उपस्थिति होती है। बेटा यहाँ आना, एक मिनट आई आई मेरे पास आओ, आ जाओ, डरो मत बेटा, आप आ जाओ, बड़े आप आ जाओ। एक प्रमाण और हमारा योग घटित हुआ, एक प्रमाण और हमें मिल सकता है। यदि हम उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़े हैं तो जो ये बच्चा करेगा उसका अनुभव हम सब में कुछ लोगों को अवश्य होगा, सबको नहीं कहता, क्योंकि जब ध्यान की अवस्था में यदि हमारा मन इधर उधर है तो उस वक्त हम उस चीज से वंचित हो जाते हैं। ये बच्चा अपने हाथ पर इस तरीके से अपना हाथ घुमाएगा, आप लोग मत घुमाइएगा, बस आप महसूस कीजिएगा क्या ये गोल गोल जो बच्चा घुमाता है आपके हाथों में भी महसूस होता है। एक प्रमाण ये भी है, तेज तेज घुमाओ, बहुत महसूस करके देखो, मन को हाथों में ले आके देखो कि ऊर्जा की धारा क्या इस बच्चे से संचालित होकर हम सबके हाथों में भी दौड़ती है। ये प्रमाण है उस अद्भुत शक्ति से योग का। ये सब इसलिए कराते हैं ताकि प्रमाण हो जाए। परमात्मा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि प्रमाण चाहती है, हमारा हृदय प्रमाण नहीं चाहता लेकिन बुद्धि चाहती है। पांचवा प्रमाण, ये माँ को आप देखते हैं कि जैसे बैठे हैं, अगर हम जिस भी इसको मानते हैं, अगर इन माँ के अंदर हमारे उस ईश की शक्ति है, तो जो अभी आपको अपने ईश के साथ ध्यान में अनुभव हुआ था हाथों में झंझनाहट का, वही अनुभव इस माँ से भी होगा। दोनों हाथ माँ की ओर ऐसे कर ले, इस तरीके से हाथ खोल के माँ के ऊपर, माँ की बिंदी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और वापसी में हाथों में अपने मन को लाकर महसूस करें क्या इस माँ से ऊर्जा आती है, क्या ऊर्जा की धाराएं इस माँ से आती हैं, क्या ये झंझनाहट महसूस होती है। और मन में प्रश्न भी कर सकते हैं, हे माँ क्या आपके अंदर श्रीराम की शक्ति है, यदि है तो आपकी झंझनाहट में थोड़ी बढ़ जाएगी, ठंडक थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या माँ आपके अंदर श्री कृष्ण की शक्ति है, माँ क्या आप श्री हनुमान की शक्ति भी रखते हैं। यदि ये ऊर्जा की धाराएं खत्म हो गई, कम हो गई, इससे यानी कि साबित हो जाता है कि माँ के अंदर शक्ति है और हमारे को आनंद देने की शक्ति है। यही एक छोटे से प्रमाणित करने के लिए सब कराने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ध्यान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको माँ का ये कार्य पसंद आया है तो आप सब नित्य जिनको भी आप पूजते हैं
जिनको भी मानते हैं उनके साथ अभी इस कार्यक्रम के साथ जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं और इस माँ के फोटो वहां रखने से आपके घर में समस्याओं का अंत होगा। जिस घर में भी माँ का जाना हो गया समझ लीजिए उस घर का क्या पूरे कुंबे का ही कल्याण हो गया, ये प्रमाणित है। इसलिए 150 से ज्यादा राष्ट्रों में ये घटनाक्रम घटित हो रहा है नित्य। जैसे आज आप लोग कुछ लोग जुड़ने जा रहे हैं, नित्य पूरे विश्व में हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक ही उद्देश्य है इस अपनी पृथ्वी को इस धरा को सुंदर बनाना। बारूद के ढेर पर यह धरा है, 13,000 बम आपने कुछ दिनों पहले टीवी पर देखा होगा, इतने खतरनाक बम बनाए मनुष्य की बुद्धि ने, तो अगर वो टूट जाते हैं तो कितना विनाश।